देखिए भाई, आज जो मैच खेला जाने वाला है ना, साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश के बीच मैच है तो प्रॉफिटेबल मैच, मगर किसके लिए, जो कुछ समझ बूझ के बनाएगा। और नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे लोगों का दिमाग में चलता होगा, साउथ अफ्रीका बहुत मजबूत देश है, बांग्लादेश का टीम कहाँ उतना मजबूत है, ऐसे ही हार जाए। मगर जब आप रिकॉर्ड देखेंगे ना, तो आपकी क्या बोलते उसको, जमीन खसक जाएगा नीचे से, सब एकदम पूरा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज का वीडियो देख के थोड़ा सा दिमाग से टीम बनाएगा, जितना तो आसान है इतना तो मैं बोल सकता हूँ स्टार्टिंग से, मगर बिल्कुल आंख बंद करके अंधभक्ति में जितना वो आसान नहीं है, ठीक है। 21वां नंबर का ये मैच है और न्यूयॉर्क 10 जून 8 बजे पीएम ये मैच खेला जाएगा। न्यूयॉर्क का वही पिच जिसपे चाहे इंडिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे श्रीलंका हो, सबका जो है ना फट जाता है, समझे। और एक बात बोलना चाहूँगा, ये जो अभी आप देख पा रहे ये मैच, ये जो मैं प्रेडिक्शन दे पा रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले दे रहा हूँ, ठीक है। वो अगर खत्म होंगे तो रात 12 बजे खत्म होगा, तो वीडियो 4 बजे भोर में ना देख बात हुई है ना, इसलिए पहले ये वीडियो बन रहा है, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। बाकी जब मैच खत्म हो तो आप अंदाजा उससे भी लगा सकते हैं क्या चला यहाँ पर, ठीक है। अब रही बात आज का क्या करना, आपको ज़्यादा कुछ मैं नहीं लूँगा आपसे, बस 2000 लाइक टारगेट रखता हूँ, देखता हूँ कितना पावर है हमारे सब्सक्राइबर में, 2000 लाइक पूरा करा पाते हैं कि नहीं। अगर ये पावर है तो ठीक है, ना है तो फिर हम पावर देंगे इधर से, ठीक है, कल के वीडियो में देंगे। बाकी आज का मैच कौन जीतेगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए पावर आपके 2000 लाइक के कैसे हैं, यहाँ देखिए मैच का डिटेल्स, पिच एनालिसिस एंड रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है भाई साहब। उसके बाद स्पेशल बॉलर्स एनालिसिस, बॉलर्स ही है, अब चाहे तस्किन को देख लीजिए, चाहे बैट्समैन को देख लीजिए, आप ये सब बॉलर हैं, ठीक है ना, इन सब के बारे में ज़्यादा जानना, क्योंकि सब तीन तीन चार चार विकेट लेके जा रहा है, समझ में आ रहा है, छोड़ना भी रिस्क है लेना भी रिस्क है। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्या करना है इन सब के बारे में। उसके बाद टीम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, ऑल प्लेयर स्टेटस, इन डिटेल्स, प्लेयर बैटल, मतलब कौन किसके सामने कौन आउट कर पाता है, रिस्की जीएल प्लेयर्स और जीएल एसएल टीम आपको साथ में इस वीडियो में मिलने वाला है। ये सातों चीज़ें क्या ना बिल्कुल फ्री है, देखिए कोई चीज़ का किसी के लिए आपको पैसे किसी को देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ इतना मैं बोलूंगा, ये फेक टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइंट है, कहीं कैसे कैसे कौन जुगाड़ से, इससे थोड़ा सा हट जाइए, ये सब फेक है। मेरा फोटो, मेरा नाम सब कुछ इस्तेमाल करता है, सब आपसे पैसे लेता है आपके टीम के नाम पे ना, वो बिल्कुल नहीं। मैं टीम कभी भी देता हूँ यहाँ पर अपना टेलीग्राम पे, तो पैसे में कभी नहीं लेता, बिल्कुल सब कुछ मेरा फ्री होता है आपके लिए। ये क्रिकेट एक्सपर्ट गुरु जी आपके लिए बिल्कुल यूट्यूब में चाहे टेलीग्राम में बिल्कुल फ्री काम करता है, या मेरा दुनिया का हर एक चीज़ समझिए सबके आपके लिए फ्री है, ठीक है। मैं लेता हूँ पैसा, कंपनी से लेता हूँ आपसे नहीं, समझे। तो आपके लिए सब कुछ ये चीज़ फ्री होता है, पैसे आपको देने की जरूरत नहीं। आप जो डायरेक्ट देते हैं इन लोगों को पैसा ना, मेरे नाम पर बिल्कुल गलत है। आप क्या करिए, देखिए यहाँ पर आइए, इस टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए जहाँ पर मैं टीम दूंगा, टॉस का अपडेट दूंगा, प्लस मैं क्या दूंगा यहाँ पर, प्लेइंग 11 दूंगा कन्फर्म, ये सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है। इस मोड़ पे आप क्लिक करिए, ठीक है। जैसे ही मोड़ पे आप क्लिक करते हैं ना, वहाँ पर क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक हमारा खुल जाता है, ठीक है, मेरा दिया हुआ खुद का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा खुल जाएगा। यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन बटन है, इस पर आगे क्लिक करके हमारे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक आध दो लाइक मन हो तो कर दीजिएगा, यहाँ पर भी अच्छा खूबसूरत दिखता है थोड़ा सा, ठीक है। और क्या इससे ज्वाइन हो जाएंगे तो बिल्कुल फ्री यहाँ पर टीम आपको मिलेगा, कहीं कुछ किटर पिटर वाला काम नहीं। यहाँ जो हम हैं वही यहाँ पर भी है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर तो भाई नाम है सिर्फ मेरा, बाकी काम तो दूसरे का चलता है, यहाँ पर लूटे वाला काम है, बच के रहिए, ठीक है। तो यहाँ जरूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया हूँ, वहीं पर मैं टीम देने वाला हूँ। प्लस में एक क्रिकेट एक्सपर्ट गुरु जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम कल से अपने वीडियो का सिस्टम चेंज कर रहे हैं, पैसा कमाने का और भी एक बेहतरीन उपाय ऑनलाइन यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। ऑनलाइन कर सकते हैं, मतलब बोर्ड पर ही बताऊँगा, ठीक है ना, मजा आएगा आपको देख करके, तो जरूर कर लीजिएगा। बाकी प्रोडक्शन तो ये चलता ही है। बाकी पिच रिपोर्ट देखिए, यहाँ पर 130 से 150 यहाँ के एवरेज है, 96 पे 10 से 77 पे यहाँ पर 10 विकेट है। लास्ट T20 मैच की बात करें तो यहाँ पर नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच मैच हुआ था 8 जून 2024 को, सूटेबल फॉर स्लो पिच, हार्ड टू बैट है, ठीक है। मगर ये मैं बोलना चाहूँगा कि इंडिया पाकिस्तान से पहले अच्छा खासा रोलर पोलर सब चला है यहाँ पर, तो अब कैसा पिच हुआ इंडिया पाकिस्तान ने मैच में, इसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जरूर उस मैच को देखिएगा, हम भी देखेंगे वीडियो बनाने के बाद। उसके बाद पेस गेट मोर हेल्प, बॉलर्स डोमिनेट यहाँ पर कर पाते हैं। 4 मैच की बात करें, 9 विकेट स्पिनर्स को मिले हैं, 4 विकेट ये 40 विकेट पेसर्स को मिले हैं। अब वो मैच देख करके यहाँ पर आप अपने से इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है, अभी लिख लीजिए कहीं पर 40 और 9। अब जब मैच खत्म होगा इंडिया पाकिस्तान का, तो मतलब मान लीजिए 50 हुआ ये 45 हुआ, जो भी हुआ पेसर्स में और जो भी हुआ स्पिनर में लिख लीजिएगा अपने, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा एक चीज़ ये लिखने में कितना टाइम लगता है। और जब आपसे एक लाइक मांगता तो पूरा जैसे लगता है कि जमीन वसीयत आपका, मतलब मैं अपने नाम करवा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा वो चीज़ क्या है, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए, ओके।
बाकी देखिए यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में 103, 137, 7 ये तो मतलब विकेट का रेशियो आप देख पा रहे 10, 10, 9, 7 देख रही है, कोई भी टीम खेला हो XYZ जो कि आगे कौन है पता चल जाएगा, मतलब आप देखें तो विकेट का रेशियो, अरे सेकंड इनिंग में आप विकेट का रेशियो आप देखें तो 4, 2, 7, 6 मतलब सेकंड इनिंग थोड़ा सा कम गिरता है। जो भी टीम यहाँ पर आएंगी तो पहले मेरे हिसाब से बॉलिंग करना पसंद करेगा, आपके हिसाब से क्या लगता है बॉलिंग करेगा ना? अरे बोला कुछ कमेंट बॉक्स खोल के, अरे हम सब मुरझायल रहता हूँ, बड़ा बेकार लगता है उसे मुरझलवा वाला, अरे हाँ ना यस नो बात की बात है दुनियादारी, पहले काम तो करो हैं, क्या क्या लगता है आपको आज क्या हो सकता है? फर्स्ट बॉलिंग लेगा लेगा, चलिए ठीक है आगे बताते हैं। ठीक है अब यहाँ वेन्यू टी ट्वेंटी स्टैटिक्स देखिए, टोटल मैच 4 हो चुका, बैटिंग फर्स्ट यहाँ पर 1 है, सेकंड में 3, मतलब 3 बार चेस करते हुए टीम को जीता है यार। तो ऑब्वियसली बात है भाई, कोई भी बॉलिंग लेना चाहेगा, मेरे हिसाब से मैं भी अगर कप्तान होता ना, आप लोग मेरे प्लेयर होते तो मैं पहले बॉलिंग लेता, चले बॉलिंग कर सीधा उसका स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पर देखिए, लो बेलो स्कोर 150 से नीचे 4 बार, 150 से 169 जीरो में, 170 से 189 जीरो, 190 सुपर भी जीरो, मतलब मन नहीं पा रहा है अगर मिला जुला देखा जाए तो 150 में 4 बार मतलब टंग टूंग गया सब। तो आज का मैच क्या हो सकता है आप कमेंट करके बताइए, उससे पहले तो क्या ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है हो गया। अब देखिए आगे अगर चले यहाँ पे, ये सब काम का चीज़ है इसलिए बोलता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ना लेंगे फिर भी मेरा कोई चांस जाना नहीं है, हमारा काम है हो गया चालू हो गया, बस वीडियो देख लिए ना, एगो ऐड चल गया आगे में हो गया जितना बनना था, अब आपका काम है हाँ, इसलिए ध्यान से देख करके वीडियो स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको बनाइए, टीम बना रहे तब अब मजाक करें तो क्या मतलब है, जैसे करना कोई मतलब नहीं है। ठीक है रिसेंट मैच ऑन दिस वेन्यू इसका है मतलब कि देखिए नीदरलैंड साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, अभी क्यों कौन खेलने वाला, साउथ अफ्रीका खेलने वाला, ठीक है 106 पे 6 विकेट इनका भी यहाँ पर गिरा हुआ है, दिख रहा है ना, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर सेकंड इनिंग चेस करते हुए, बाकी 103, 9, 20, 106, 6, 18.5 बाकी फर्स्ट इनिंग में 8, 0, 5, 0 यहाँ पर, मतलब फर्स्ट इनिंग में पेसर को 8 है स्पिन को 0 है, फिर सेकंड इनिंग में पेसर को 5 है स्पिन को 0 है, इन दोनों के बीच में जब मैच हुआ तब। अब अगर दूसरी बात करें आयरलैंड वर्सेस इंडिया की बात तो देखिए 96 में 10, 16, 97 2, 12.2 ओवर इसमें भी 8 पेसर मतलब फर्स्ट इनिंग, देख रहे क्या बवाल है पूरा। ठीक है यहाँ पर भी देखें आप कैन वर्सेस आई है तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, 5 विकेट है, फिर 1 है, 4 है, 2 है, फिर यहाँ भी वही चीज़ आपको दिखता है 7, मतलब पेसर्स एक अच्छा भूमिका निभा के लेकर जाता है इस जगह पर। ठीक है अब कौन पेसर, सवाल तो दिमाग में आना चाहिए ना, अगर नहीं आ रहा सवाल तो फिर तो गड़बड़ है कुछ भाई, कुछ तो गड़बड़ गया है, सवाल आ रहा है सब सही है। ठीक है तो सवाल का जवाब आइए आगे जाते हैं, उससे पहले क्या करना है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काम करेगा आपके लिए, टीम जब क्रिएटिव करता है ना मन से ना उसके लिए सब काम करता है, बाकी तो अंगुलियां रखे वाला के कौन बताएगा, यो पकड़ लेगा यो पकड़ लेगा, जाओ चला चलना चलेगा नहीं चलेगा हो गया आएगा नहीं तो जाएगा क्या करना है ऐसा होता है। टोटल मैच कितना हुआ मैं जो बोला स्टार्टिंग में आपको 8। ठीक है साउथ अफ्रीका का भी 6-6 विकेट गिर जा रहा है, धुआंधार है ना कैनेडा वाला टीम हो मतलब गिरा दे रही है, बाकी 8 में अफ्रीका कितना जीता है 8 बार, बांग्लादेश 0, थोड़ा सा घसका हैं कैसा लगा मेरा मजाक हैं थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ कभी कभी मूड जब बनता है तो। ठीक है तो आज का मैच में क्या लगता है आपको अफ्रीका या बांग्लादेश, मार दीजिए हाथ बताइए कमेंट बॉक्स करके, थोड़ा सा लगेगा हाँ यार किया है कौनो है ना, 4 मैच हो चुके हैं, 4 मैचों में जैसे मैं बोला कि ठीक है फास्टर लेके जाएगा विकेट। ठीक है अब इसमें देखिए फास्टर में भी देखिए 12 विकेट राइट आर्म फास्ट को, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट को 19 विकेट है, बाकी राइट आर्म फास्ट जो है पाकिस्तान का सब ज़्यादा हो सकता है, इनका ही विकेट कल को आपको बढ़ते दिखाई देगा। ठीक है ना इनको तो अच्छा खासा विकेट मिलेगा इंडिया से जो है सब, तो इसमें आज क्या करना आपको यही दोनों में से चूज करके लेके जाना, बाकी इन लोगों में लेके जा सकते हैं, इन लोगों को कम कम मिलता है थोड़ा सा देखिए आराम से मिलता है, कहने का मतलब ये। अब स्पिन में लेके जाना चाहते हैं तो स्पिन को वही 5 है, 0 है, 4 है, फिर ये भी 0 है, मतलब ये चाइना मैन को भी 0 है, ऑर्थोडॉक्स को भी 4 है, फिर 0 हो सकता है कल कुलदीप खेले तो चाइना मैन को कुछ बढ़ के मिले, पर अभी तो बिल्कुल 0 है। ठीक है तो सवाल उठता ये कि भाई पेसर्स को लेकर चलना अपने को, फर्स्ट इनिंग में भी टंटना के लेके जाएंगे एकदम, कितना ताव से लेके जाएंगे, किस किस को राइट आर्म फास्ट राइट आर्म मीडियम फास्ट को, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले लीजिए आप। ठीक है ले लीजिए फास्ट और राइट आर्म मीडियम फास्ट यही दो चलने वाला अच्छा यहाँ पर है। उसके बाद देखिए ये 7% आपके लिए रियल कैश एक्स्ट्रा दे रहा है स्पोर्ट्स वाली, तो इसका फायदा उठाए चुकी मत, और कल से मैं इस चीज़ को ऑनलाइन आपको दिखाऊंगा, मतलब
डाटा ये तो ठीक है, स्क्रीन शॉट है, कल से ऑनलाइन दिखेगा सब कुछ। लगाते हुए आपको मैं दिखाऊंगा, मैं देखे कैसे लगा रहा हूँ, मैं प्लेयर कैसे बना रहा हूँ, इसमें सब कुछ ऑनलाइन करेंगे कल से, ठीक है। तो अभी के लिए बता दे रहा हूँ, पहले सब लोग तैयार हो जाएगा स्पोर्ट्स बाजी, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। 7% रियल कैश एक्स्ट्रा प्रॉफिट 7 डाल करके जो भी आपको लगे 30 जून 2024 तक डिपॉजिट कर लीजिए, ठीक है। जितना भी जो आप कर सकते हैं उसमें 7% एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा, प्लस में 39 में 1,00,000 रुपये ये मैं लगा के अभी दिखाता आपको, अगर ऑनलाइन रहता तो। हालांकि कल से ट्राई करेंगे, अगर इंस्टॉल होता है इसमें तब वो ऐप स्पोर्ट्स भाजी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 999 की है, बहुत सारा लीग है भाई, 1 रुपये में देख सकते हैं, यहाँ पर 5,000 का लीग है, मतलब 1 रुपये क्या होता है यार, कुछ भी नहीं है यार, यहाँ लगा के आदमी उससे ट्राई कर सकता है। 10 रुपये में 10,000 मतलब देख सकते हैं यहाँ पर। स्पोर्ट्स भाजी आपके लिए फ्लेक्सिबल चीज़ देता है भाई, जितना भी हो, ये नहीं किसी सिर्फ 59 रहेगा चाहे 49 रहेगा तभी आप खेल सकते हो, 1 रुपये से भी खेल सकते हो, वो आपके कितना अंदर से आप पॉजिटिव है वो इस पर आपको दिखता है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए और खेलना स्टार्ट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। पैसा कमाने का तरीका आगे बताऊंगा, ठीक है। क्विंटन, रेजा, माकरम, क्लासन, डेविड मिलर, देखिए इन सब का क्या कारनामा है, आप यहाँ पर देखिए ये, हाँ 85 मैच किसका, क्विंटन डिकॉक का, ठीक है। 2,361 रन है, 31 का एवरेज है, 39 देखिए अगर बात करें हेड टू हेड मतलब बांग्लादेश के साथ में, ठीक है ना, हेड टू हेड मतलब 39 का एवरेज है। इस ग्राउंड पे 10 का एवरेज है, 2 मैच में ओनली 4 20 रन नहीं बना पाए। रिसेंट फॉर्म 0-20, 19-41 और 0 है। 54 सिलेक्शन परसेंट है इनका, फर्स्ट इनिंग में 44, सेकंड में 16, 20 और 0 है, मतलब फर्स्ट इनिंग में ही कॉक का कुछ हो जाए तो हो जाए ना, तो सेकंड इनिंग में बिल्कुल उतना आसान नहीं होता। अब यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में पिच तो आप देख ही रहे कैसा है, घटिया गंडू पिच, मगर इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद ही समझ, क्योंकि रोलर बहुत दबा के चलाया सब, हो सकता है चेंजिंग आया हो, जैसा अभी उसके हिसाब से मैं बोलूंगा कॉक लेके चलने के लायक नहीं है, ठीक है। रेजा हैंड्रिक्स इनकी बात करें तो देखिए 1 मैच में 4 रन ये बना पाए थे बांग्लादेश के साथ में, बाकी 31 का एवरेज इनके पास भी है, और वही 2 मैच में 3.5 का एवरेज इनके पास है बिल्कुल बेकार है, बाकी 3, 4, 6, 34, 87, 30% लोग टीम मिली है इनको, 54% लोग टीम मिली है, और ये है कि थोड़ा सा दे देते हैं, देखिए कीपिंग भी कैच पकड़ के, ठीक है ना, इसमें सच्चाई है इनके पास तो कैच मैच का ऑप्शन नहीं है, मैं फिर भी 30% है ना रेजा हैंड्रिक्स, मैं इस बार रेजा हैंड्रिक्स को ही ट्राई करता हूँ, ठीक है। जीएल की टीम में अपना रेजा हैंड्रिक्स ही रहने वाले हैं। उसके बाद माकरम पहले वाला दम जो है ना नहीं रह गया समझे, 41 मैच में देख सकते हैं यहाँ पर 1130 रन है, 10 विकेट साथ में है, 2 मैच में 10 रन, क्या है टू बिल्कुल झंडू बम है एकदम, लगा के सो जाओ। अब वो चीज़ देखिए यहाँ पर ग्राउंड के देखे तो 6 एवरेज है, सवाल ही नहीं पैदा होता, 0-12, 25-30, 90 पे, 30 पे, 41 पे, मतलब ये चीज़ थोड़ा सा अलग दिखता है, ये चीज़ थोड़ा सा अलग दिख जाता है यहाँ, ठीक है। 43% टीम में लिया सब 10-0-12-0, तो एक उधर से मान लीजिए रेजा, उसके बाद माकरम, एक काम करते हैं माकरम को ट्राई तो करने का मूड बन रहा है, मगर बांग्लादेश से कौन प्लेइंग 11 में पहले, मतलब कि पावर प्ले में पहले बॉलिंग फेंकने कौन आ रहा है उचित पता करते हैं पहले, ठीक है। अगर 2-3 लोग बड़ा टनटन वाला जो होगा वो लोग आता है, जैसे टस्किन हो गया सभी सब, अगर पावर प्ले में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा अवॉइड कर सकता हूँ, अगर ना तो कोई कमजोर है तो फिर लेकर जा कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं वीडियो में। क्लासन का वो क्लास है ही नहीं, फॉर्म मतलब बेकार बिल्कुल हो चुका है कह सकते हैं, 45 मैच में 745 22 का है, बाकी यहाँ नॉट प्लेड है, और 2 में 23 रन है, 23 का एवरेज है, बाकी 4-19-90-5-7-6, 67% टीम में फिर भी लेके जा रहा था क्लासन, क्योंकि देखा सब एक आध बार इसमें क्या बोलते हैं IPL में मारते पीटते देखा है सब, मगर भाई देख सकते हैं रिसेंट फॉर्म बिल्कुल बेकार हो गया बंदे का, ठीक है। तो माकरम को ही यहाँ पर एक तरफ से ट्राई किया जा सकता है, 67 और 43, ठीक है माकरम ही करिए, है ना। उसके बाद डेविड मिलर देखिए, मतलब कोई सोचता नहीं है जहाँ वहाँ डेविड मिलर का काम आता है, 59 बाद, ओ भाई साहब कमाल है नहीं अब देखिए 6 मैच में 164, ओ सर एकदम धुआंधार कह सकते हैं, हर समय मतलब नाबाद ही, अब 35-37 यहाँ पर आकर के भी इतना रन मार पा, जो आगे रह गया सब कुछ उखाड़ी नहीं पड़ता, क्या मतलब है, यही ना ठीक है। 35 के एवरेज भी देखिए सबका, आप 31 देखे होंगे, 35 है, सोचिए तेज खेलना भी है ना, 52% लोग लिया भी है सब, बाकी 5 मैच में 169 फर्स्ट इनिंग में ही है, सेकेंड में नहीं है, बाकी 1 मैच में 6 है, बाकी यहाँ पर 169, मेरे हिसाब से इनको सेकेंड इनिंग में ही ट्राई करना एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है, ठीक है। अलग फर्स्ट में भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि विकेट से गिरेंगे इतना तो आसान नहीं है भाई, ये तो मैं बोल लूँगा भाई खुल्लम खुल्ला, ठीक है। तो फर्स्ट इनिंग में हो चाहे सेकेंड में, दोनों जगह ट्राई करें। स्टॉप्स अच्छा यार, कल लिए थे, कल एक खेला तो सही है तो 19 में 285, 1 में 7, बाकी 2 मैच में 23 का एवरेज यहाँ पर है स्टॉप्स का, 61% लोग टीम में लेके जा रहे हैं स्टॉप्स को, 13
33 सेकेंड इनिंग में ठीक है भाई स्टेप्स, ठीक है ना, सेकेंड में स्टेप्स को भी ट्राई करिए आप। उसके बाद हम सॉरी सेकेंड तो यहाँ पर है ना, ग्राउंड पे तो खेला है ना, मगर अपने को इस ग्राउंड के हिसाब से फर्स्ट हो चाहे सेकेंड, मेरे हिसाब से स्टेप्स दोनों जगह जा सकता है ना। बाकी अभी सेकेंड के ही रखिए, अभी सेकेंड के लिए ही रखिए, आगे के लिए देखता हूँ फर्स्ट में क्या किया जाए। मार्को जॉनसन जो कि 2 विकेट और 3 रन मतलब बना पाए थे, और 6 में 8 यहाँ नहीं है, बाकी 2 में 2 विकेट इस जगह मिला इनको। चलिए ठीक है, मार्को को रखते हैं यहाँ पर, मार्को थोड़ा थोड़ा बैटिंग भी कर लेते हैं, 88% लोग टीम में लिया है सब, चल हम लोग भी लिए। केशव महाराज कल बिल्कुल फ्लॉप गए थे 2 में 1 2 में 2 29 में 26 23% केशव महाराज का भी अभी टाइम नहीं है। केशव महाराज सेकेंड इनिंग में ट्राई अप कर सकते हैं, अगर हो तब, फर्स्ट इनिंग की टीम बॉलिंग करे तो बिल्कुल ट्राई मत करिए केशव मैसो को, सिर्फ फास्टर। उसके बाद देखिए किशोर रबाड़ा राइट आर्म फास्ट है, रबाड़ा को यहाँ पर मिल सकता है विकेट, 3 में 6 है 2 में 2 है। कल रबाड़ा 0 पे गया था, बहुत हंसी गया था, कल हम लोग बहुत सारे लोग ग्रुप में दोस्त लोग मिलकर टीम बनाए थे ना, तो रबाड़ा आया बॉलिंग करने, नहीं असला ना ले लो यार, जब ना लो तो लेता हूँ विकेट, जब ना ऐसे मतलब नहीं बोलता सब यहाँ पर बड़ी मजा आया कल। अरे भाई मैच पूरा खत्म हो गया, देखा पूरा था, इसको लिए चलिए ना जुनेट उसके चल रहा, अरे इतना हंसी आता ना मत पूछिए, वही चीज़ है कल रबाड़ा आखिर में विकेट नहीं लिया बेचारा अरे 2 3 में 6 जो कि वो बंदा सिर्फ एक टीम लगाता है गांव का ही, अब देखता है वो जान गया हो सकता है एक टीम में क्या, ठीक है 58 में 60 है और 58% लोग टीम में लिया है सब, ठीक है रबाड़ा कल को रखते हैं, ये जो मैच है ना इसमें रबाड़ा को रखते हैं, ठीक है इंपॉर्टेंट हो सकता है। नोकिया हाँ ये ठीक है भाई, नोकिया 2 4 0 0 2 बाकी 2 में 6 विकेट ग्राउंड पे भी ठीक है, और हेड टू हेड भी देखिए 2 में 7 विकेट, तो मेरे हिसाब से आज के दिन सीबीसी के लिए भी ट्राई लिया जा सकता है नोकिया, ठीक है 35 में 44 है नोकिया का, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 में 6 है ग्राउंड पे, 2 में 7 है हेड टू हेड, तो कहीं से भी मतलब काटने का ऑप्शन नहीं मिलता वो चीज़। अब यहाँ देखिए बैटमैन, ये तो मतलब पूरा एकदम वाकमैन बना हुआ भाई, 3 मैच में ही मतलब अभी 8 विकेट लेकर बंदा बढ़ गया, ओ भाई साहब 2 में 5 इस ग्राउंड पे भी बहुत सही है, 4 ओह देख रहे हैं मतलब अकेले कमर तोड़ने वाला काम है, राइट आर्म फास्ट मीडियम 1 3 71% लोग बैटमैन को लिया, मगर इतना आप जान लीजिए बैटमैन का सिस्टम रहा है, अभी 3 ही आप देख पा रहे इधर में, आगे भी इधर में कुछ है वो कटा हुआ है सिस्टम है कि भैया जीरो चाहे हीरो, तो अब थोड़ा कहाँ बनना है समझ लो, अगर लेवा तो हीरो चाहे तो जीरो, दो काम होगा आपका, बिल्कुल जीरो में जाता है अभी, 3 4 विकेट मिल रहा ठीक है, लहा रहा साले को उसी में जुगाड़ पानी करके, है ना। तो बैटमैन को भी टीम में रखता हूँ, मगर सेकंड टीम में मैं बिल्कुल इनको ड्रॉप करके लेके जाऊँगा, क्योंकि उतना स्किलफुल ना ही बोल सकत है ये जान ला। बाकी देखा ये है बेंच प्लेयर, इनका चाहे तो स्क्रीनशॉट आप डाल सकते हैं अपनी टीम में ले करके, है ना, ले लिए कोटाजिया और अगर लेके आना चाहिए भाई, शमसी है ऐसे बहुत है भाई, खतरनाक है, फॉर्चून है देख रहे हैं तो मतलब पूरा फॉर्चूनर है सब। ओ साउथ अफ्रीका के ये देखिए भाई स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर, मतलब इसका ये होता है कि 6 ओवर ये कर लेंगे, 6 ओवर में लास्ट लग ये कर लेंगे, ठीक है। तो जॉनसन यहाँ पर देखिए 1 3 5 अब इनको लेने का मकसद क्या है मेरे को, ये सब तंजीद मंजीद हसन पसन जो है ना सब ने उन लोगों को मैं छोड़ने वाला हूँ, इसलिए मैं इनको लेकर जा रहा हूँ, ठीक है ना हिसाब किताब हमारा हमेशा ठीक रहता है भाई रबाड़ा दूसरा करेंगे, बैटमैन यहाँ पर चौथा और छठा कर लेते, मतलब ये तीनों का तीनों अगर बनने का मूड में है, लेकर जाने का मूड में है अपने को, तो मतलब समझिए कि क्या है बांग्लादेशी देख रहे हैं ये सीखे हैं तो बांग्लादेशी का टाटा फिश मेरे हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद केशव महाराज 15वां कर देंगे, नोकिया 16वां कर देंगे भाई, मार्को जैसन 17वां कर देंगे, बैटमैन 18वां 20वां ओह क्या बात है भाई साहब, रबाड़ा 19वां करेंगे, ये एक सटीक ऑप्शन है भाई, ठीक है ना, ये एक सटीक ऑप्शन है, इसलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेम इसी टाइप से टीम बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि मजा आएगा आज का, जैसे उनका देखता हूँ अभी पॉसिबल लाइनअप देखता हूँ उनका, तब अच्छे समझ में आएगा अभी, तो ठीक है एक तरह से देखा हूँ ना, एक पक्ष को सुनाऊंगी दूसरा पक्ष भी सुनूंगा, रेजा तमीम अहमद जो है ना, या तस्किन अहमद सॉरी, ये जो है कि आउट किया भाई 5 बॉल 4 रन 1 बार आउट, उसके बाद यहाँ पर वो ही है भाई, है ना तस्किन अहमद ही दोनों जगह, मतलब मार्करम को रेजा को आउट किया हुआ है, वो भी 3 3 बॉल पर मतलब खतरनाक कर सकते हैं बॉलिंग में। अब देखिए जैसे ये है टॉस जीतने वाली टीम गेंदबाजी करना चुनेगी, बिल्कुल हाँ चुनेगी, हाँ डाल के यहाँ पर जो भी पैसे लगा लो ये डबल हो जाएंगे, ठीक है ना एकदम, मतलब टीम बैटिंग है, मगर हाँ इतना याद रखिए कि पहले देख लीजिएगा इंडिया और पाकिस्तान, बार बार मैं ये चीज़ इसलिए बोला कि क्योंकि पिच पे मरम्मत हुआ है, अब मरम्मत में बीच चाहे तो बन सकता है चाहे तो और बिगड़ सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ ठीक है, वो देख करके ही करने का। उसके बाद साउथ अफ्रीका बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैच जीतेगा, हाँ जीतेगा तो हाँ में लगाइए, ना तो फिर ना में लगाइए, यहाँ भी आपको ना है तो ना में लगाइए, आपकी मर्जी होगी, मेरा जहाँ तक मतलब लगता है कि हाँ ये हो सकता है तो मैं बोल देता हूँ। जैसे
पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ओवर 6 या अधिक रन बना पाएगी, पहले ओवर में बिल्कुल 9, तो 32,985 मैंने लगा दिया है, मिलेगा कितना 3,665। ठीक है, तो ये आप भी ट्राई कर सकते हैं, इन्वेस्ट करके ट्राई कर सकते हैं। आप चाहे तो ये लगाइए, अगर लगता है यस तो ये लगा दीजिए आप, 3,665 लगाने पर ही 32,000 आपको मिल जाएगा आपको। ठीक है, अभी से ही लगा दीजिए आप, ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। बाकी अगर लगता है आपको जैसे नहीं नहीं मेरा गलती हो रहा है भाई साहब, एग्जिट मारने का ऑप्शन, एग्जिट मार के निकल भी लेते हैं। इसे आपको दिखाते हैं हम ऑनलाइन में, क्या बता, अभी ऐप ही नहीं ओपन हो पर कुछ इसमें सॉफ्टवेयर का दिक्कत है, अगर मिल जाता है सॉफ्टवेयर में या कोई आके जो टेक्नीशियन इसका होता है कर देगा सही, तो पक्का कल से मैं यहाँ पर ऑनलाइन आपको दिखाऊंगा सब करके। ठीक है, उसके बाद देखिए साउथ अफ्रीका बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैच जीतेगा, यहाँ 46,097 रुपया, 2,942 अपने को आ रहा है। मतलब बिल्कुल आसान सा सवाल मैं आंसर दिया हूँ, कोई रिस्क ज़्यादा मैं नहीं लिया हूँ। ठीक है ना, तो ऐसे आप भी दे करके पैसा निकाल सकते हैं। स्पोर्ट्स बाजी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, मैं तो बोलूँगा ट्राई करिए। अगर 10 लगाते 20 होता है मेरे भाई, 20 का 40 होगा, 40 का 80 होगा, ऐसे ना बढ़ता। कभी ना आप सोचेंगे एक बार हमारे पास 2 करोड़ आ जाए, तो यार इतना आसान नहीं होता, धीरे धीरे लाइनअप करना पड़ता है उस चीज़ को, जिंदगी को। ठीक है, बांग्लादेश अब देखिए तंजीद हसन मतलब बेकार फालतू है, खाली आउट होने के लिए एक बार बस, सोमिया सरकार है क्या है मतलब है यार। लिटन दास ये कुछ ठीक है, लंटेन जला के, तो आगे बात करते हैं सबके बारे में, लंटेन जला के। ये देखिए तंजीद हसन 7 मैच में 237 है, 47 के एवरेज है। ठीक है, मतलब क्या है इनका सिस्टम, देखिए सिस्टम बता रहा हूँ, एक की में हुमस देंगे 52, फिर 2 रन, फिर 19, फिर 58 नंबर, फिर 3 रन, समझे, इन लोग का सिस्टम है तो 47 बहुत अच्छा है 7 मैचों में, इसमें कोई काटने वाली चीज़ नहीं है, मगर लोग कितना 5% लिया का है, यह कारण है लोग का, समझे। सोमिया सरकार राइट ऑफ मीडियम है ये, अब इनका देखिए 83 मैच खेल चुके हैं, 1398 रन, और यहाँ पर क्या 12 विकेट 7 में, 10% लोड लिया टीम में से 6 मैच में, मतलब क्या ये हेड टू हेड खेले भी हैं, 150 रन ओनली 4 बना पाए 6 मैच में, विकेट्स 0 है, ग्राउंड नॉट प्लेड है 0, 43 नबाद, फिर 0, फिर 20, फिर 7, क्या रे ये पूरा इतना खतरनाक फ्लक्चुएशन लोग रहता है ना, मत पूछिए। तो ये ओपनर्स का हाल है बांग्लादेशी का, आप समझ सकते हैं अंदर क्या मिलेगा, जब ओपनर्स का ये अंदर क्या मिलेगा, बॉलर के दम पे अगर बांग्लादेश जीत गया तो जीत गया, बैट्समैन के दम पे मैं लिख के देता हूँ एक लोग कभी नहीं जीत पाएगा, सब ये जान लीजिए, जो भी मैच जीतता है सब बॉलर्स के दम पे जीतता है, दिखाऊंगा मैं बॉलर्स लोग कितना तगड़ा है सब। अब सवाल आता है क्या करना है भाई, सब ठीक है तू बोल दिया ये वो समझ गया सब, अब बता क्या करें। अब मेरे हिसाब से यही करना है कि इस बंदे के लिए तंजीद हसन, हालांकि चांसेस बहुत कम है, मैं टीम में लूंगा, मैं इतना मैं बोल रहा हूँ मल्टीपल टीमें मैं लेने वाला हूँ, जिसमें इस बंदे को मैं लेने वाला हूँ, हो सकता है जासन और कौन था बैटमैन था, 3 को सब मिलके बॉलिंग किया ना, नॉक किया है ना, उन 3ों में से मैं 1 तो ड्रॉप करूँगा, जो पावर प्ले का 3 तो मैं बॉलर दिखाया आपको ना अभी ना, उनमें से कोई 1 को ड्रॉप करके तब मैं इस बंदे को लेने वाला हूँ, अगर उन 3ों को मैं लेके जा रहा हूँ तो इस 2ों को टाटा फिश करने वाला हूँ। ठीक है, मगर जिसमें लेके जाऊँगा वो टीम मल्टीपल दिखाई देंगी आपको, उससे आप समझ लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर डालूंगा मैं, बाकी आप भी यहाँ से देख सकते हैं क्या करना है, लोग का हिसाब किताब, जब अपने रहे इतना अच्छा तो 5% रहता सिलेक्शन परसेंट, सोचा अजय का गाड़ी स्टार्ट नहीं चल रहा आगे सामने, वो कैसे आगे बढ़ेगा, गाड़ी नहीं बढ़ेगा कहीं से भी। लिटन दास इस बंदे का थोड़ा देखा जाए तो 23 के एवरेज है, कुछ ज़्यादा ये भी नहीं है, वो भी ज़्यादा उतना कुछ नहीं है, फिर भी इस हेड टू हेड में 20 का है और 36 यहाँ मौका नहीं है, 14, 12, 23 56% टीम मिली, आगे क्या करेगा सर, किसी को तो लेना ही है ना, ला भैया लिटने आओ कम से कम। ठीक है, ऐसा करके मतलब मजबूरी है मान ली। नजमल हसन सेंटो, नजमुल का देखिए सवाल क्या भाई, हम 25 के एवरेज लेके चलेंगे साथ में और टीम है 2.9 का एवरेज बनाएंगे, ग्राउंड पे तो हम खेल भी नहीं किए, हमको नहीं पता है कुछ भी, मगर रिसेंट फॉर्म हमारा देखिए आप, 7 मौका नहीं है, 36, 3, 36, वाह वाह 14% लोग टीम मिली है सर सर कन्फ्यूज तो सब खुद है और कन्फ्यूज जो टीम बनाएगा उसको भी करेगा सब लोग। ठीक है ना, तो क्या करना है यहाँ पर, इसका ठीक है दिखता है, इसका भी दिखता है, ठीक है बंदे का इसका ना देखा मेरे को, इसलिए इस बंदे को लेकर चलता हूँ मैं, उसके बाद हो तो सोमिया सरकार को नहीं अभी लेना अच्छा नहीं है, सोमिया सरकार को लेने का मतलब देखिए उस साइड से 2 प्लेयर कम से कम ड्रॉप देने पड़ेंगे आपको, अगर सोमिया इनको 2ों को टीम में लेके जा रहे हैं तब, ठीक है ना, 2 अच्छे ऑलराउंडर चाहे अच्छे बॉलर साउथ अफ्रीका के ड्रॉप करने पड़ेंगे, और नहीं तो इस बंदे को लेकर चले तो एक बंदे को फिर यहाँ से किसी एक को डालना पड़ेगा, किसको डाला जाए यहाँ पर, 39 में 796, 82 में 14, 39, 82 बतवा तो वही है यार 25 का जिसका है ना,
14% लोग 56% लोग, ठीक है यही कलर, ठीक है नजमल हसन सेंटो, ओके दो हो गए। उसके बाद देखिए तौहीद हिदोय, ओहो क्या बात है भाई, आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए, ये था एक तो जो वर्ल्ड कप में शायद कहा तो ओपनिंग करने आ रहा है भैया, हर मैच में 0-0 जाए, मूडे खराब हुए तुम्हारा, अभी क्या 43% लोग टीम में ले जा रहा है, क्योंकि 40 मौका नहीं 25 58 कुछ तो कंसिस्टेंटी में, ये कंसिस्टेंट है बंदा, ठीक है मेंटेन थोड़ा सा किया हुआ है, चल हिरदो आओ हमारे पास तुम कुछ कर ले हमारे टीम में रह करके। साकिबल हसन, हसन 69% टीम में लिया तो आया है, 6 मैच में 8 विकेट फर्स्ट इनिंग मिला भी है, 1 मैच में 1 विकेट सेकंड इनिंग मिला है, 19 रन रहे, रन ना मिला है, रन में थोड़ा सा दिक्कत है, 7 में 73 9 विकेट 122 में 2446 विकेट से भाई साकिबल तो एक बात है कि बढ़िया मोस्ट पावरफुल ऑलराउंडर अगर बोला जाए तो है, मगर यहाँ आलू दम निकल गया, 0-8 पे 0-1 30 पे 0-6 0-21 पे 1 ऐसा, तो इस बंदे के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और तो डॉक्स आना सोचना पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग से तो उतना मैं चाहता नहीं हूँ कि मिले उनको कुछ हो, अब ब्रेक है ये ठीक है ना, अब बैटिंग से कुछ मिलना है, तो बैटिंग से ही थोड़ी मिल जाएगा, इतना आसान है, जब ऊपर ही जो टंट याद देगा सब तो नीचे तो क्या कर लेगा, रहा करके कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है इसलिए साकिब को अभी छोड़ना एक बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा, अभी बोल रहा हूँ बाकी टॉस के बाद देखता हूँ। महमूदुल्ला, ए यार क्या यार, बुढ़ोती में मैच खेलना जरूरी है, 131 मैच में 2299 रन 39 विकेट साथ में, 3 में 30 रन या मौका नहीं, 16 नवाद पे 0-0 3 31 पे 0 54 37 पर क्या यार, मत खेलिए अब काका, अब रिटायर विटायर ले ला आराम से बैठा कहीं चैन कम से कम हम लोग का लेवे था, अब ऐसे कन्फ्यूज नहीं आ रहा भाई, कोई भी फैंटेसी खेलने वाला आदमी हो क्या करेगा के साथ में बताओ तो, हैं क्या करेगा के साथ में ऐसे को। हाँ रिशद हुसैन, इनकी बात करें देखिए 17 मैच 15 विकेट है 7.5 का रिकॉर्ड भी, मौका नहीं यहाँ नहीं, बाकी 3-1-2-1-0 62% लोग टीम में लिया सब ठीक है, लेग ब्रेक है अभी मत लीजिए इनको भी, सेकेंड इनिंग ट्राई कर लीजिएगा लेग ब्रेक को, इतना ताव से सब लिया है ना 62% लेग ब्रेक को सेकेंड में करिएगा, फर्स्ट मेरे हिसाब से उतना चांस नहीं बनता है ठीक है ना। बाकी महमूदुल्ला को हटाया गोली मार साले में। तस्किन अहमद, इनकी बात करें तो ये ठीक है, 4 में 3 विकेट मान लीजिए यहाँ पर है, 61 में 64 है, बाकी यहाँ देखिए 2-2-1-2-3 एक प्रोग्रेस अच्छा पकड़ा हुआ बंदा है ना रेगुलर, 56% टीम में लिया सब, 3 में 2 है 1 में 2 है, मतलब कह सकते हैं यार सेकंड इनिंग इनके लिए अच्छा होता है, फर्स्ट इनिंग में 3 मैच में 1 विकेट मिला मगर इस ग्राउंड पे मिलेगा विकेट ठीक है, राइट आर्म फास्ट है ना मिलेगा विकेट इस ग्राउंड पे ठीक है, इस बंदे को लेना है। तंजीम साकिब, ये भाई 6 में 4 ही कहाँ से आ गया भाई, हैं 1 में 1 0 मतलब कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है क्या, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो क्या बोलते हैं डेब्यू, क्या बोलते हैं उसको डेब्यू, हाँ डेब्यू वही हो रहा है क्या, हैं 10% लोड लिया सब टीम में चला थोड़ा, अभी लगेगा कि डेब्यू करे था देखे थे थोड़ा सा कैसन कहाँ हो रहा है माहौल वो, अब देखिए थोड़ा सा ठीक है बुढ़वा प्लेयर में उसने फिजुर रहमान, ये ठीक है भाई 96 में 120 विकेट मतलब थोड़ा सा इज्जत के साथ नाम लिया जाए 3 में 1 हाँ ग्राउंड अगर हेड टू हेड देखे तो उतना अच्छा नहीं है मगर 3-6 अरे भाई क्या अरे मतलब तोप का गोला है क्या उठा के फेंक देगा बम काम खत्म 2-2-0 है 90% टीम में लिया सब, चलिए इस बंदे को हम लोग भी लेके चलते हैं ठीक है। हालांकि देखिए लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है इतना याद रखिएगा मगर हाँ मगर लेक ठीक है, अगर ओपनिंग से कब बॉलिंग फेंकने आता है देखिए पहले, यहाँ पर बेंच पर इसका स्क्रीन शॉट लेना है नहीं चले आएगा लीजिए, सरफुल इस्लाम अगर आएगा तो ले लीजिएगा थोड़ा सा ठीक है, मेहदी हसन भी तनवीर इस्लाम सरफुल ठीक है मेरे हिसाब से था, सरफुल का अच्छा एक बॉलिंग में ग्रिप जो है ना अच्छा है। अब उसके बाद देखिए ये स्टार्टिंग है डेथ ओवर में तो तंजीम साकिब 1 और 4 साकिबुल हसन 2 और 5 तस्किन तीसरा मुस्तफिजुर रहमान छठा, ये तो बड़ा माहौल बेकार है, इन लोग को ऊपर लगाना चाहिए थोड़ा सा, ये अब कुटा वाला का लगा दिया सब, अब जैसे सब अफ्रीकन सब वैसा है कूट के थोड़ा सा मुंह एकदम ऐसे नहीं होता है कि बाघ भैया खून का पिया हो गया जब ना एक बार ना, तो घास थोड़े खाने वाला है, है? जब मांस खा लिया तो वही आला कुटवा देगा सब दूल्हों मिला करके लोग, उसके बाद ये लोग को नंबर देगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ठीक है। अब इस मामले में जैसे हम लोग क्विंटन को नहीं ले जा रहे हैं, अब ये फेंकेगा एक बार इसका कोई उतना असर पड़ेगा नहीं, क्विंटन बॉल हो सकता है तो 10-15 रन मार दिया तो फिर हम लोग का बेकार हो जाएगा वो छोड़ा हुआ, तो मेरे हिसाब से यार क्विंटन को लेकर चलना पड़ेगा, जैसा हिसाब से इनको बॉलिंग लाइनअप दिख रहा है मेरे को, अगर ये लोग आते हैं यहाँ फिर ना ये आ जाता है यहाँ पर फिर तब मैं मान सकता थोड़ा सा चेंजिंग आ सकता था, ये मुस्तफिजुर से फेंकवाते पहले ओवर तब देखिए मजा ठीक है ना, मगर ऐसे अगर फेंकवाएगा तो क्विंटन भी चलेगा वो मारेगा आज। उसके बाद देखिए स्टार्टिंग तो ये हो गया मान लीजिए,
1, 4, 2, 5 ये तीसरा फेंकेंगे, ये छठा फेंक देंगे। अब डेथ में रहा रिशाद हुसैन 15वां 17वां, और यहाँ पर तंजीम साकिब 16वां 18, तस्किन 18वां और मुस्तफ़ी तो ठीक है, यहाँ तो ठीक है इन दोनों का, ये लास्ट में होना ही चाहिए, यहाँ थोड़ा सा बेकार है, ये ऊपर में होना चाहिए कमर तोड़ने के लिए कम से कम, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ना तोड़े कमर तो अपने टूटेगा, इन लोग का कमर होगा करेगा, हम तो बोले ही बोलना बोले अब हमारे कहा। प्लेयर बैटल सोमिया का देखा कैसे सब आउट करता है, सोमिया सरकार हुए, ठीक है, इनका सरकारी सब कहाँ जाता है, साकिब अल हसन बहुत एक्सपीरियंस है, मगर यहाँ भी एक्सपीरियंस है, तीनों बॉल पर टाटा फिश नॉक किया। नजमुल हसन सेंटो यहाँ पर देखे नॉक किया, इनको भी 2 बॉल में 0 है, जा आराम कर यार ऐसा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, नहीं तो फिर आप भी थोड़ा सा क्या है आराम कर लीजिए, और यहाँ पर देखिए टेलीग्राम है, इस पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, तभी आराम कीजिए, क्योंकि उसके बाद हम काम करेंगे आपके लिए, है ना। अरे तो अपने से काम करना, अपने से काम करिए, अभी से करिए लगातार पूरा, ठीक है, तो जरूर ज्वाइन करिए, बिल्कुल फ्री में यहाँ पर टीम जाएगा, मस्त टीम जाएगा आज का। देखिए मैं प्रिडिक्शन जब देता हूँ ना, जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है प्लेयर पर, तो मेरे को खुद समझ में आता है कि हाँ आज कुछ कुछ होने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मस्त टीम जाने वाली, बिल्कुल फ्री मिलेगी, जाकर ज्वाइन रहिएगा। जैसे मैं ये टीम दिखा रहा हूँ, अब वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगी तो वो टीम भी मैं ऑनलाइन ही बनाऊंगा, अभी ही बना के दिखाऊंगा, तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिएगा इसका। उससे पहले ये ट्रंप कार्ड में देखिए, यहाँ पर हैंड्रिक्स है, ठीक है, सरकार है, महाराज है, और यहाँ पर तंजीम है, ठीक है, ये ट्रंप कार्ड में है, इसमें से 2, 1 या 2, 2 लास्टली, ठीक है। उसके बाद सेफ सीबीसी में नोकिया है, यहाँ पर बैटमैन है, मार्को जासन है, यहाँ पर कौन है, रहीम है, ठीक है, रहमान है का रहमान है, ये सेफ सीबीसी है, बाकी ये टीम है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए वीडियो को मैं यहीं तक छोड़ता हूँ, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक दियो, ना आई हो तो बिल्कुल ना दियो, ठीक है। बाकी चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दियो, तब जाके धीरे धीरे वीडियो पसंद आई हो फिर लाइक मारना स्टार्ट करियो, बाकी 2000 लाइक कर दियो ये कौन बात आता है भाई, हमको खुद नहीं पता ठीक है, चलिए फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए मैच के प्रेडिक्शन के साथ, तब तक अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत। ले लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप टीम का, बाकी टीम में ऑनलाइन दिखाऊंगा आपको, तब जाके मज़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ टेलीग्राम पर, ठीक है, टाटा बाय बाय।